हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशंस। देखो आज हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास लिखा है 3x² - 4y + 3z + 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या है, ये जो टर्म्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे 3x² है, ठीक है, फिर आपके पास क्या है -4y, फिर हमने यूज करा है z का। ठीक है, तो जो x, y और z होते हैं इनको क्या बोला जाता है, लिटरल्स। ठीक है, क्लियर है, ये जो अल्फाबेट यूज करते हैं इनको हम लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, ये जो 18 है, ठीक है, ये जो है कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू है वो 18 ही रहेगा, तो 18 है जो ऐसे नंबर, तो वो यहां पर कॉन्स्टेंट बन गया। क्लियर है, ये कॉन्स्टेंट हो गया। अब ये 3x² - 4y + 3z, इनकी वैल्यूज देखो चेंज होती रहेंगी। अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो ये इसकी टर्म की पूरे की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर है। तब हमने लिटरल्स देखा, कांस्टेंट देखा, वेरिएबल देखा। एक और चीज देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। देखो ऑपरेशन जो होते हैं यहाँ पर वो साइंटिफिक ऑपरेशन जो वैसे होते हैं ना हॉस्पिटल में, वो वाले ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन चार है, माइनस, प्लस, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं। देखो चार में से कितने, 1, 2, यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, एक माइनस का, एक प्लस का। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन विच कंटेन्स लिटरल्स, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी क्लियर हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं टर्म्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे ये प्लस जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके बाद जो भी आता है दैट इज कॉल्ड एज टर्म। यहाँ पे पहला टर्म क्या है 3x², दूसरा टर्म क्या है 4y - 4y, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, फिर क्या टर्म है 3z, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं आपके, राइट। ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर खाली एक टर्म होगा उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर खाली एक टर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज मोनोमियल। जैसे आपके पास हो सकता है सिर्फ 3x² या फिर 5y, ये एक्सप्रेशन है जिसके अंदर खाली एक ही टर्म है। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है, 2, तो बायनोमियल क्या हो जाएगा आपके पास है जैसे 5y² + 3a। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो ये बायनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं जैसे कि 3x² - 4y + 3z। देखो उसके अंदर तीन टर्म्स आ गए, 1, 2, 3, ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं पॉलीनोमियल क्या होता है। देखो पॉलीनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो x की पावर होगी, जो x का ये क्या होती है पावर होती है, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वो यही इसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें बताना है इनमें से कौन कौन से पॉलीनोमियल्स हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला इज अ पॉलीनोमियल। ठीक है, सेकंड वाले में देखते हैं, अगेन दिस इज अ पॉलीनोमियल। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट टर्म है, कुछ वेरिएबल है, कुछ लिटरल्स है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये भी हमारा पॉलीनोमियल है। ठीक है, लेकिन देखो अगर हम सी की बात करते हैं तो क्या ये कंडीशन थी कि पॉलीनोमियल में जो एक्स का पावर होनी चाहिए, एक्स का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर है हाफ, है ना, है कि नहीं, ये स्क्वायर रूट है ना एक्स का स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर कितनी होगी, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ इसकी पावर 1/2 लिखेंगे हम। ठीक है, तो देखो 1/2 लिखने का मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन में हो गए, एक्स की पावर फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये एक पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, यहां देखो ये भी सही है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, इट इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, लेकिन पॉलीनोमियल के लिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है कि नहीं, तो यहां पर तो ये नेगेटिव है, दिस मीन्स कि अगेन दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल, ये भी हमारा पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमको क्या बताना है, डिग्री बतानी है पॉलीनोमियल्स की। ठीक है, तो देखो पहले हम बी वाला करते हैं। ठीक, डिग्री क्या होती है, जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी। यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं इसको x^0 भी लिख सकती हूँ, 0 का मतलब क्या है, 1 ही तो होता है, तो
तो चलो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है यहाँ पर, 2 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री हो गई 2, राइट। अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत तो है नहीं। यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर मतलब y के ऊपर क्या एक्सपोनेंट लगा हुआ है, क्या पावर लगी हुई, वो इसकी डिग्री कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो c में डिग्री क्या है, 3 है, ठीक। फिर p में, सॉरी d वाले ऑप्शन में, इसमें जो डिग्री है देखो यहाँ पर p का स्क्वायर है, यहाँ पर p टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है तो 2 लिख दो। यहाँ पर कितनी हो जाएगी y की, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे डिग्री 4 हो जाएगी। अब चलो हम a पे आते हैं। यहाँ पर जो डिग्री है तो वो सब बोलेंगे बच्चे यूजुअली क्या कहते हैं, यहाँ पे डिग्री a की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 जो आंसर है दैट इज रॉन्ग। क्यों गलत है? अगर हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स ऐसे मल्टीप्लीकेशन में, कैसे ए स्क्वायर इंटू बी तो हुआ है, ठीक है, तो a की पावर है 2 और b की पावर है 1, है कि नहीं। तो अब क्या होगी, हमारी डिग्री बन जाएगी 2+1 मतलब 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, क्लियर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूजुअली बच्चे गलत ही करते हैं, ठीक। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स है इनकी पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, राइट। तो देखो पहला पॉलिनोमियल लेते हैं, यहाँ पर है 7x³+1-10⁻¹, ठीक। तो देखो अगर x है, इसका मतलब मैं x टू द पावर 1 लिख सकती हूँ, तो आप लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे x वो 1 है खाली, तो मैं x टू द पावर 0 लिख लूँ, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है उसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अब बस ये आपको समझने के लिए, वो करना नहीं है, खाली ये समझना है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी पावर असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है तो पहले कौन सा डिजिट लगाओगे, ये वाला 1⁻¹⁻¹⁻³ ऐसी तो लिखेंगे। यहाँ पर पार हो गई 0, 1, 3 असेंडिंग ऑर्डर में पार हो गई, ठीक है। अब जो इसका एक्चुअल फॉर्म था इसमें लिख दीजिए, तो योर आंसर विल बी 1-10x+7x³, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। यहाँ पर वी हैव 9x²+8-2x³। क्या लिखोगे सबसे पहले, 8 लिखेंगे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं है, या फिर बोल सकते हो x टू द पावर 0 है, पहले ये लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, हमें पावर्स लिखनी है ना, 9x²-2x³। देखो हमने पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया बढ़ते तरीके से, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं सी। हियर वी हैव 6ay-2by²+3c। देखो यहाँ पर y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है ही नहीं, तो मैं y टू द पावर 0 लिख दू, एक ही बात है ना, y टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी पावर आएगी, ये वाली, तो लिख दो 3c। अब सिंपल हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद y टू द पावर 1 है, ठीक। अब आ जाएगी 6ay, ठीक। फिर क्या आ जाएगी, -2by²। तो हमने पार्ट को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। चलो अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। Here we have 4p² + 5p-6, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, -6³, इसको मैं 6p²⁰ लिख सकती हूँ, एक ही बात है, तो पहले ये आ जाएगा, फिर प्लस 5p आएगा, प्लस 4p² आएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमको ना इन पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर मैं ये कॉमा हटा के ये प्लस के साइन यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे ये प्लस लगा देती हूँ, वहां पे वो भी प्लस करना है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, 9pq±5pq+3pq, यहाँ पे भी प्लस लगेगा, ±pq। देखो सब में जो इनके लिटरल फैक्टर्स है वो सेम है, pq 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 pq, तो ये क्या होते हैं, लाइक टर्म होते हैं। लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं, इजीली क्या कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दो 9-5+3-1, ठीक है। हमने पी क्यू को कॉमन ले लिया, ठीक, 9-5 हो गया 4, 4+3 हो गया 7, 7-1 हो गया 6 pq, तो ये आंसर विल बी 6 pq, राइट।
चलो अब हम चलते हैं बी पार्ट पे इसके। देखो अब हमको ना यहाँ पे ये ऐड करना है, ठीक है? तो क्या करोगे, प्लस का साइन अगर मैं लगाती हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, कॉमा हटाओ, यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा दो, ठीक। 17a प्लस माइनस माइनस 3a प्लस 6a प्लस माइनस माइनस 2a। देखो ये सारे लाइट टर्म है, क्यों? क्योंकि सब में जो लिटिल फैक्टर है वो a a है, ठीक है? तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, a 17 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 14, 14 प्लस 2 20, 20 माइनस 2 18a, योर आंसर विल बी 18a, राइट? चलो अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। देखो इसमें हम कैसे ऐड करेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है? ये पहला पॉलिनोमियल है, दिस इज सेकेंड, दैट इज थर्ड पॉलिनोमियल, ठीक। तो देखो यहाँ पर है 3p, ठीक। मैं p के सारे एक साथ टर्म्स कर लेती हूँ, यहाँ पर वी हैव प्लस 2p, ठीक है? फिर देखो p इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर है p, प्लस माइनस माइनस 6p, ठीक। अब q के टर्म्स ले लो, वी हैव माइनस 4q, यहाँ पर है प्लस 3q, वहां पर है प्लस क्यू, ठीक है? अब आर के एक साथ कर लो, प्लस 4r, फिर माइनस 8r, फिर वहां पर है प्लस r, ठीक है? तो जो लाइट टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पर पी 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 है, तो ये लाइट टर्म है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 1p, ठीक है? माइनस 1p को माइनस पी भी लिख सकते हो, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ो, वी हैव माइनस 4q प्लस 3q प्लस q, ठीक। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसको, माइनस 4 प्लस 3 प्लस 1q, ठीक है? इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4 माइनस 8 प्लस 1r, ठीक है? सही, देखो ये माइनस p हो जाएगा, ठीक है? अब देखो 3 प्लस 1 4 माइनस 4, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 0q, ठीक है? इधर आओ, इधर वी हैव 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1r, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस पी, 0q, जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 3r, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट? चलो नाउ वी मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकेंड पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे बोलती हूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, तो आप क्या करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे, ठीक है? पहले इसको लिखोगे, बाद में इस वाले को लिखोगे, राइट? हमें यहाँ पे भी वही करना है, कह रहे पहले पॉलिनोमियल को सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखो, ठीक है? इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है, माइनस करो सेकेंड पॉलिनोमियल, ठीक है? देखो दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों के पास लिटरल फैक्टर सेम है, पी स्क्वेयर क्यू, पी स्क्वेयर क्यू, ठीक है? अब देखो माइनस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 8, ठीक है? और फैक्टर क्या बनेगा, लिटरल फैक्टर पी स्क्वेयर क्यू, राइट? दिस विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। अगेन क्या करना है आपको, फर्स्ट को सेकेंड में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सेकेंड वाला लिखो, माइनस 8xyz सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसमें से माइनस 2xyz। देखो दो दफा माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? और पूरा टर्म क्या है, पूरा टर्म है माइनस 2xyz। अगर आपको बोलते ऐड करा तो यहीं पे एडिशन का साइन लग जाता, ठीक है? माइनस माइनस प्लस 2xyz। देखो दोनों लाइट टर्म है xyz, क्या करेंगे हम, माइनस 8 प्लस 2 ऐड कर दो, ये कितना बनेगा, माइनस का 6xyz, सो ये आंसर विल बी माइनस 6xyz, ठीक है? क्लियर, राइट? चलो अब हम चलते हैं इसके, अब करते हैं इसका ई पार्ट करते हैं। देखो जो बीच के जो पार्ट्स मैं नहीं करा रही हूँ वो आपका होमवर्क है, मैं इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ना, नहीं समझ में आएंगे तो यू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट दिस, मैं वहां जाके दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ट्राई टू एक्सप्लेन है, ठीक है? चलो अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। हियर वी हैव 18p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 1, ये आपको किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 5p प्लस 7p स्क्वायर प्लस 9 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है?
तो पहले ये लिखोगे बाद में इसको लिखोगे, ठीक। देखो ब्रैकेट के साथ ही नेगेटिव साइन लगा ना, सिर्फ स्टार्टिंग में नेगेटिव नहीं लग रहा है, सबके जो है साइन चेंज होंगे, ठीक है। माइनस 5p प्लस 7p स्क्वायर प्लस 9, ये बन जाएगा माइनस 18p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15p माइनस माइनस प्लस 1। क्या करोगे, लाइक टर्म्स को एक साथ एड और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। p स्क्वायर माइनस 18 प्लस 7 कितना बनेगा, माइनस का 11, ठीक है, सही। तो ये लिख देते हैं हम, दिस इज योर ई पार्ट, राइट। देखो हमने ना यहां पर ये इधर क्या लिख दिया था, इधर हमने लिख दिया था 7p स्क्वायर है ना, तो ये सही कर लो, ये 8p स्क्वायर प्लस 15p माइनस p है, ये माइनस 5p प्लस 7p स्क्वायर प्लस 9, इसमें से हमको ये वाला पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब चलो करके देखते हैं, ठीक है। अगर जरा सी भी गलती हो जाती है, देखो पूरा आंसर ही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ध्यान से लिखना, देखो यहाँ पर वी हैव 8p स्क्वायर, हियर वी हैव माइनस 7p स्क्वायर, 8 माइनस 7 1p स्क्वायर, ठीक है। माइनस 5p माइनस 15p, p कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा माइनस 5 माइनस 15, ठीक है। प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 10, कांस्टेंट टर्म को एक साथ ऐड करो, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5 माइनस 20, माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20p प्लस 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो यहाँ पर क्या है कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे a माइनस 2b माइनस 5c माइनस 8, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको, ये सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव साइन लगाओ पूरा एज इट इज, ऐसे लिख दो ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, a माइनस 2b माइनस 5c माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 6a, प्लस माइनस माइनस बी, प्लस माइनस माइनस 3c, प्लस माइनस माइनस 8, ठीक है। लाइक टर्म्स एक साथ लो, a और प्लस 6a, यहाँ पे 1a कर लो, वहां पे प्लस 6a, कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 7a, ठीक है। फिर 2b लो माइनस 2b माइनस b लो, ठीक है, b इधर ले लो, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये माइनस 3b, ठीक है, ये हो गया माइनस 3b, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर वी हैव माइनस 5c माइनस 3c माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8c, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, माइनस 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 16, सो ये आंसर विल बी 7a माइनस 3b माइनस 8c माइनस 16, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि हम इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, मैंने क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर दिया कि मुझे आंसर क्या मिले, ये आंसर मिले, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन मार्क क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है जो हमको चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, देखो यहां पर इसको तो इज इक्वल टू किस तरफ है, इसको ऐसे ही रखते हैं, हम इस पूरे पॉलिनोमियल को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लाते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था तो इधर आके नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। फिर इज इक्वल टू को साइन लगा, क्वेश्चन मार्क के साथ देखो नेगेटिव साइन है, हम इसके इज इक्वल टू को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्या है, वो पॉलिनोमियल है जो हमको चाहिए, राइट, जो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। अब क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर लिख लो पहले, ठीक है। 5a स्क्वायर ये कितना बन जाएगा माइनस 6a स्क्वायर, हियर वी हैव माइनस 16ab, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, माइनस माइनस प्लस 3ab, ठीक है। देन वी हैव माइनस 3b स्क्वायर, हियर वी हैव माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। फिर वी हैव माइनस 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, प्लस माइनस ये भी बन जाएगा माइनस 1, राइट। देखो अब क्या करेंगे हम, ये a स्क्वायर के टर्म में a स्क्वायर लिख दो, 5 माइनस 6 कितना होगा माइनस 1a स्क्वायर, राइट। इसको आप माइनस a स्क्वायर भी लिख सकते हो, ab, ठीक है,
13 वो माइनस 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 13 ए बी। ठीक है क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर लाइक टर्म में 4 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1 बी स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको लिख दो प्लस बी स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, यहाँ पर एक रेक्टेंगल गिवन है, इसमें एक साइड इतनी गिवन है दूसरी साइड ये है। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो लिख दो 2 इंटू एल, क्या है लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। ठीक है, सिंपल है, खाली हमें इसको क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, फिर ये लिख दो ब्रेथ में 7PQ माइनस 5PQ प्लस 9P² Q². ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो लाइक टर्म्स एक साथ ले लो, माइनस 6P माइनस 5P कितना हो जाएगा माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11P³। ठीक है, फिर है 7P² Q² 9P² Q² 9 प्लस 7 हो जाएगा 16P² Q². ठीक है, आगे बढ़ो, PQ + 7PQ 7 + 1 हो जाएगा 8PQ। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 22PQ + 32P² Q² प्लस 16PQ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, ये वाला इजी था ना। वैसे तो सोचो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब सॉल्व करना स्टार्ट करो तो कितना सिंपल हो जाता है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ये पूरा ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर ये गिवन है, एक साइड ये है दूसरी साइड ये है, वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड। ठीक है, हमको पता होता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर मुझे ये वाली साइड सी निकालनी, सपोज दिस इज ए दिस इज बी और साइड सी, तो सी साइड क्या हो जाएगी, पेरीमीटर में से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास सी साइड आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, लिखिए पेरीमीटर 7x² माइनस 17xy प्लस 5y² प्लस 8 माइनस कर दो इन दोनों का सम। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन है इसको भूलना नहीं यहां पर। ठीक है, 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3 ऐड कर दो ये वाले ना। चलो यहां पर है x square 4 प्लस 1 हो जाएगा 5x². ठीक है, माइनस 7xy माइनस 8xy माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15xy। ठीक है, प्लस 4y² प्लस 6y² 4 प्लस 6 हो जाएगा 10y² माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बेसिकली ये सम आ गया है हमारे पास इन दोनों साइड्स का। ठीक है, हम अगर पेरीमीटर में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें साइड सी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन इधर लगा दो, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो एक्स, अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट हटाओ तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 5x² प्लस ये बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 7x² माइनस 5x² हो जाएगा 2x² माइनस 17 प्लस 15 माइनस 2xy प्लस 5y² माइनस 10 ये हो जाएगा माइनस 5y² 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। सो योर आंसर विल बी 2x² माइनस 2xy माइनस 5y² प्लस 6, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये आपका ट्रू ऑफ फॉल्स है, यू हैव टू स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ फॉल्स। ठीक है, और क्यों रीजन भी देना है। ठीक है, चलो 3 + p = 3p, तो ये तो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि 3 + p कैन बी रिटन एज p + 3। ठीक है, लेकिन 3p नहीं लिख सकते। ठीक, दूसरा देखो, वी हैव 5a + b = 5ab, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि दिस कैन बी रिटन एज b + 5a, पर उसकी तरह नहीं लिख सकते, वैल्यू चेंज हो जाएगी। 6p + 8b कितना, दिस इज अगेन p। ठीक है,
तो ये हो जाएगी 14p. योर आंसर इज राइट, क्योंकि दोनों राइट टर्म है, 6 + 8 = 14 होता है. ठीक है, नाउ वी हैव p + p इज इक्वल टू p2. ये भी गलत है, फॉल्स है. क्यों? क्योंकि p + p हो जाएगा 2p, 1p + 1p हो जाएगा 2p. ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और एक कॉमेंट करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन और सोल्यूशन.